हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है मुंबई के रोहित कदम जी, जो कि पिरामल ग्रुप में काम करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कैसे फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, कैसे जीतते हैं, और उनकी एडवाइस नए फैंटेसी प्लेयर्स के लिए क्या है। सो रोहित जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, क्या करते हैं। मैडम, मेरा नाम रोहित कदम है। मैं मुंबई बदलापुर में रहता हूँ। तो मेरा अच्छा, वर्क है पिरामल ग्रुप में, एज अ सैप ऑपरेटर करके जॉब करता हूँ। सैप एज इन SAP। हाँ, ऐसे भी। ओके ओके ओके, वंडरफुल। तो आप कब से फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं? मैडम, मुझे, मैं एक्चुअली फैंटेसी क्रिकेट में 1 साल हो गया खेल रहा हूँ। मतलब देखता ओके, तो हूँ, हाँ, ड्रीम इलेवन पे खेलना मैंने 1 साल हो गया मैं खेल रहा हूँ। अच्छा, तो कैसे, क्या अब तक की आपकी विनिंग्स कैसी रही हैं, कुछ शेयर करना चाहें? विनिंग्स अब तक की मैं परफेक्ट लाइनअप पे, मैंने 6 महीने के ऊपर हो गया उनके साथ मैं प्ले कर रहा हूँ। परफेक्ट लाइनअप के जरिए मैंने टीम बनाता हूँ। फिर खुद थोड़ा बहुत प्लेयर का नॉलेज तो है मुझे कि इंडिया पाकिस्तान हो ऐसा, और साथ में सपोर्ट मिलता है परफेक्ट लाइन, उस हिसाब से मैं थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो फिर जीएल में टीम लगाने के लिए बढ़िया मिल जाता है परफेक्ट ओके लाइनअप ओके, की तरह तो से। क्या ज्यादा खेलते हैं, GL की, मतलब ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग? ऐसा कुछ नहीं, मैं जीएल भी प्ले करता हूँ, स्मॉलिंग भी प्ले करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, दोनों भी प्ले करता हूँ। जैसे अपना अभी कुछ जैसे T10 रहती है, हाँ जिसका रिकॉर्ड सही से मिल जाता है कि मैं, हाँ बाबा जो कुछ अपने को प्लेयर मालूम है या किसी बाकी प्लेयर का रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसके हाँ जीएल प्ले करते हैं, कभी कभी स्मॉलिंग भी खेलते हैं, अपने अपने टाइम के ऊपर भी है, मेन बात उस जैसे अच्छा, टाइम से। ओके ओके। तो ये जैसे हाँ, आप मेजरली ड्रीम इलेवन पे खेलते हैं, और जिसका डेटा और जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस, उस हिसाब से आप GL या स्मॉल लीग खेलते हैं। तो मुझे बताए कि कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जानकारी के लिए, अपनी टीम अच्छी बनाने के लिए? जैसे मैं बोलू तो मैं सिर्फ, मैंने ज्यादा करके जीएल के लिए परफेक्ट लाइनअप का ही इस्तेमाल करता हूँ, कि जिससे मैंने, मतलब मैं अभी आपको भेज भी देता स्क्रीनशॉट, कि जीएल के लिए मुझे तो बहुत बेटर लगता है। जैसे कि ना, अभी बाकी के परफॉर्म इस टाइम कौन चल सकता है एक गेसिंग, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा चलता है मैडम। भले मेरे अभी तक एक रैंक 1 पे टीम नहीं आई, लेकिन हाँ, एक अच्छा रैंक रहता है मैडम। पहले अच्छा, तो कभी, हाँ, कि विनिंग जोन में भी नहीं रहती थी टीम। ओके, अभी तो कैसा कि चलो कुछ अपने प्लेयर जैसे लाया ऐप के जरिए में, कि कैप वाइस कैप किसी को लेने ड्रॉप करना, उस हिसाब से मैं ट्राई करता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है कि हाँ चलो भाई अच्छा जा रहा है, हो जाएगा काम ऐसा। मतलब थोड़ा अच्छा लगता है कि हो जाएगा आज, नहीं तो मतलब ट्राई तो कर रहे देखते। परफेक्ट तो परफेक्ट लाइनअप की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? लाइनअप की, इससे पहले मैंने विकास गुप्ता जी से बात किया था, कि इस उन्होंने पूछा था कि अभी आप यह यूज करते हैं तो क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ ऐसा। मतलब अभी के हिसाब से पहले उन्होंने जैसे जैसे ना समझो दो, अभी पहले है ना अंडर परफॉर्मेंस, या बाद में हाँ चिट शीट है, अंडर परफॉर्मेंस है, उसमें कौन खेल सकता है, और उसमें उन्होंने एक नया फीचर्स भी ज्वाइन किया, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी उसके अंदर अभी मैं बता नहीं सका, गैप पहले से। मतलब ना मैडम, इसमें ना हाँ कि छोटी छोटी मैं दो कम 4 से 5 बार उनसे बात की कि कैसे क्या किया जाए इस ऐप में से, हाँ किसको ले और किसको ड्रॉप करें, तो उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीजें हैं उनको एक एक करके देख लिया करो, तब मतलब तब जाके कुछ अच्छा लग रहा है कि मतलब हो रहा है, मैनेज हो रहा है पहले से ज्यादा कहीं, क्योंकि धीरे ओके धीरे ओके, मुझे लगता है प्लेयर्स के नाम या फिर हाँ कौन कैसा खेल रहा है प्ले करता है, तो थोड़े बहुत आगे चल के हो जाएगा मैनेज, तब आपका गेम, आपको लगता है कि धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है परफेक्ट लाइनअप से। धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। कोई सजेशन आपकी कि परफेक्ट लाइनअप में एक ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो आपके जैसे बिगनर के लिए हेल्पफुल हो? अभी तो मैडम मेरे दिमाग में तो इतना कुछ पिछले टाइम मैंने बोल दिया था कि जैसे जीएल के लिए या फिर स्मॉलिंग के लिए, जैसे स्मॉलिंग उन्होंने आई थिंक उसमें ऑप्शन भी दिया है कि स्मॉलिंग के लिए 5 टीम होती है और जीएल के लिए कम से कम 11 टीम बनती है। जैसे हाँ नंबर डालते हैं ना जनरेट टीम, कितना टीम चाहिए हाँ आपको, दो चार पांच छह या 10, उस हिसाब से जनरेट हो जाती है मैडम।
अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे कि आप जीएनएस उनको मैंने एक नहीं, उनको मैंने एक दो बार ऐसा सजेस्ट किया था कि हाँ 22 प्लेयर है ना सर जी, देखो उनके क्या हाँ रहे थे, इनके क्या रहे थे, हाँ तो 22 प्लेयर में से आप थोड़ा एक सजेस्ट करके दो ना कि इतने, जैसे मतलब ना कि हाँ इतने प्लेयर है जो एक जैसे फाइनली एक चल जाएंगे, और जो नहीं चलेंगे उनको आप ही सीधा ड्रॉप करना, ऐसे मैंने कहा था उनको, लेकिन ये बोले ऐसा नहीं कर सकते ऐसा, बस मैंने एक ही ओके लास्ट सवाल उनको किया था मुझे बताइए कि अगर ग्रैंड लीग में 1 करोड़ रुपए जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? मैडम जी मैं तो थोड़ा खुद के लिए थोड़ा खुद के लिए, जैसे खुद के लिए थोड़ा हो घर पे, गांव में या इधर मुंबई में छोटा सा घर हाँ खरीदूंगा, बाद में जो अनाथ बच्चे हैं ना उनके लिए कुछ तो, जैसे उनके एजुकेशन की पढ़ाई और उनके मतलब जैसे अभी बहुत देखा है ऐसे उनके एजुकेशन के लिए या फिर अनाथ उनकी तरफ फोकस करूंगा, चलो मेरा और उनका एक उनको अनाथ डेवलप बच्चों के कराना लिए, अनाथ बच्चों के लिए कंसर्न कैसे, मतलब बहुत सारे सोशल कंसर्न है, अनाथ बच्चों के लिए ही आपकी मैं कंसर्न खुद क्यों? उसको उतारूंगा उसमें, कौन कितने आना थे उनको मैं खुद देखूंगा, ये कौन पढ़ रहा है कैसा, सबको मैं अच्छा एक पढ़ाने का ये करूंगा, उसको मिलने जाऊंगा अच्छा कौन पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उनको, हर किसी को मैं, वो पढ़ना चाहता ओके, है तो उसको पढ़ाऊंगा, बहुत वो बढ़िया, डेवलप हो बहुत जाए बस। हाँ बहुत ही बढ़िया। मुझे बताइए कि जैसे फैंटेसी में तो आप भी ज्यादा पुराने नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तजुर्बा रखते हैं, कई दिनों से, महीनों से खेल रहे हैं, परफेक्ट लाइनअप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी सजेशन ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है जो बिल्कुल नया नया फैंटेसी में आ रहा है कि उसका गेम इम्प्रूव हो उसको? रोहित कदम जी की नंबर 1 सजेशन क्या है बिगनर्स के लिए, फैंटेसी बिगनर्स के लिए? फैंटेसी बिजनेस करे मैं तो कि वो भी प्ले करे जो फैंटेसी खेलना चाहते वो भी प्ले करे, अभी तुरंत तो नहीं हो, किसी के लक के ऊपर भी डिपेंड है मैडम, कि कोई कोई इमीडिएटली टीम लगाता है, जैसे आपने अपने लक के ऊपर किसी ने चलो इसको मान लिया, कैप किया, वाइस किया, इसने दूसरा ऐसा, तो कोई कोई तुरंत अभी किसी का विन हो जाता है, हाँ और फैंटेसी ऐसे गेम है ना मैडम कि 49 रुपए में आपको 1 CR या फिर बाद में 50 लाख है, 20 लाख है, ऐसा छोटी छोटी अमाउंट आईपीएल से लेके, आईपीएल में ज्यादा करके 25 लाख तक है, सॉरी CR में 25, आई थिंक 1 CR उसके नीचे नीचे छोटा छोटा अमाउंट 50 लाख है, फिर 20 लाख, हाँ 10 लाख ऐसा, अगर 49 में किसी को समझो 20 लाख मिल रहे तो क्या बहुत बढ़िया है काम है मैडम, वो तो ऐसा कितना मतलब जैसे कि लॉटरी लगाने भी, और इसमें क्या है मैडम लक का भी साथ है मैडम, किसी को लक साथ दिया 49 में 20 लाख मिल गया तो कितनी बहुत बढ़िया बात है ना। सही बात है। अभी नए लोगों के लिए मैं तो बोलूंगा कि अभी इमीडिएटली तो अगर लक अच्छा है तो हो जाएगा, चलो किसी का लक अच्छा है तो समझो उन्होंने टीम हो के लगा दी, अच्छा खासा रैंक मिला, अच्छा खासी विनिंग हो गए, अगर नहीं भी हुआ तो फिर मुझे लगता है धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड हर के कोई प्लेयर कैसा खेलता है, और धीरे धीरे मुझे हिसाब से बढ़िया हो जाएगा काम धीरे धीरे। हाँ जी, तो आपका मतलब है कि आदमी को पेशेंस रखना चाहिए नए प्लेयर्स को? पेशेंस जरूरी है मैडम, क्योंकि ओके इसमें अभी बैट्समैन बॉलर फिर ऑलराउंडर कौन किसको, अभी सम लाइनअप होने के बाद कुछ प्लेयर्स के या फिर बॉलर्स का कुछ नॉलेज जानकारी ज्यादा है तो और बढ़िया हो जाएगा मैडम उस आदमी के लिए, एकदम बेस्ट काम हो जाएगा। हाँ चलिए बढ़िया, मैंने आपको कहा था आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, तो ये थे रोहित कदम जी मुंबई से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सबकी यही कामना है आपके लिए कि आप 1 करोड़ जीते, अपना बढ़िया आलीशान सा घर चलेगा बनवाएं, चलेगा और अनाथ बच्चों की मैं एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा काम करें। चलिए, चलेगा चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय मैडम।